नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान अल्मोड़ा। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है आर्थिक आयोजन या नियोजन। अगर हम सरल शब्दों से बात प्रारंभ करें तो हमारे पास वास्तव में समस्याएं अनंत हैं और उन समस्याओं का समाधान सीमित, जिसके परिणाम स्वरूप आयोजन की आवश्यकता यह हो जाती है। आज भारत जैसे विकासशील देशों के पास वास्तव में बहुत अधिक समस्याएं होती हैं, लेकिन इन समस्याओं के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो बहुत लिमिट में है। जब हम लिमिट संसाधन को, सीमित संसाधनों को एक निश्चित प्रकार से, एक निश्चित समय में, एक निश्चित तरीके से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगाते हैं तो इसे हम आयोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वास्तव में आयोजन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम, जिसके माध्यम से हम निश्चित समय में निश्चित तरीके द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 1950 में जब वास्तव में आर्थिक आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, हमारे पास देश में संसाधन बहुत कम थे। देश में संसाधन कम होने के कारण और हमारे पास लक्ष्य बहुत बड़े बड़े थे, जैसे गरीबी को मिटाना, रोजगार को अधिकतम करना, जिसके परिणाम स्वरूप आयोजन वास्तव में 5 साल का एक प्रकार का टारगेट दिया गया, जिसके माध्यम से हम दिए गए संसाधन यानी 5 वर्ष के अंतर्गत सरकार जिन जिन मतों से पैसा इकट्ठा करेगी उसके आधार पर लक्ष्यों को वास्तव में केंद्रित किया गया और उन लक्ष्यों के आधार पर आयोजन को अपनाया गया। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो वास्तव में आयोजन सरकारी या राज्य का हस्तक्षेप है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति। इसके पहले परंपरावादी अर्थशास्त्री वास्तव में राज्य की क्रियाओं के हस्तक्षेप की बात नहीं करते थे, जबकि आयोजन के अंतर्गत वास्तव में सरकार लक्ष्य बनाएगी और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम कहां से संसाधन प्राप्त करेंगे उनका भी टारगेट फिक्स करती है और उसके द्वारा राज्य की क्रियाएं संपादित की जाती। अनेक अर्थशास्त्रियों ने वास्तव में आयोजन के लिए अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन कोई भी परिभाषा समग्रता लिए हुए नहीं है। आइए हम कुछ परिभाषाओं पर प्रकाश भी डालते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आयोजन किस प्रकार होता है, आयोजन के उद्देश्य क्या हैं और भारत में आर्थिक आयोजन कहां तक सफल रहा। प्रोफेसर एल रॉबिन्सन ने आयोजन की परिभाषा देते हुए ये कहा कि वर्तमान समय में आयोजन का अर्थ उत्पादन पर एक या किसी अन्य रूपों में सरकारी नियंत्रण है, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेयर जब कोई भी कद, चाहे साधन कलेक्ट करने में हो चाहे टारगेट अचीवमेंट करने में, तो वो क्रिया आयोजन कहलाएगी। प्रोफेसर मिरडाल ने कहा कि राज्य हस्तक्षेप के द्वारा उन्होंने बताया कि जब हम कोई उद्देश्य प्राप्त करते हैं तो आयोजन कहलाता है। इनके अनुसार आर्थिक आयोजन केंद्रीय सरकार के कार्यक्रम की वो महत्वपूर्ण रूपरेखा है जिसमें बाजार की शक्तियों के साथ साथ राज्य हस्तक्षेप प्रणाली द्वारा सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर उठाने के प्रयास किए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा तो उसके परिणाम स्वरूप सोशल वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट प्रायोरिटी निर्धारित करती है कि कौन सेक्टर का डेवलपमेंट ज्यादा आवश्यक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इस प्रकार आयोजन के 2 प्रमुख अंग है। पहला, लक्ष्यों का क्रम जिनकी प्राप्ति का प्रयास किया जाए। मान लीजिए हमारे लक्ष्य हैं, सबसे पहला लक्ष्य गरीबी का उन्मूलन करना, दूसरा रोजगार को बढ़ाना, तीसरा एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करना, चौथा हेल्थ केयर को डेवलपमेंट। तो आप उनको रैंकिंग कर लीजिए कि आप सबसे पहले कौन सा लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं। और दूसरा है वर्तमान साधनों का ज्ञान तथा
सर्वोत्तम आवंटन, हमें कहां कहां से इनकम प्राप्त होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहां कहां से इनकम मान लीजिए प्राप्त होती है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां किया जाए, किस सेक्टर को कितना, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना दिया जाए, एजुकेशन सेक्टर को दिया जाए, सोशल वेलफेयर सेक्टर को कितना दिया जाए, इसका एलोकेशन करना वास्तव में आयोजन का लक्ष्य होता है। यानी दो प्रकार के लक्ष्य हैं, पहला उद्देश्य का निर्धारण, दूसरा संसाधनों को प्राप्त करना और उसका आवंटन करना। वास्तव में आयोजन कई प्रकार का होता है, लेकिन हम इसके लिए कोई वैज्ञानिक तर्क तो नहीं दे सकते, फिर भी आयोजन को निम्न भागों में विभाजित किया गया। पहला है क्रियात्मक तथा संरचनात्मक आयोजन। क्रियात्मक आयोजन से अभिप्राय, जब किसी अर्थव्यवस्था के वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में बिना परिवर्तन किए हुए ही जब कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो इस आयोजन को हम क्रियात्मक आयोजन कहते हैं। यानी सामाजिक और आर्थिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं होता इस प्रकार के आयोजन में, जो हमारा सामाजिक ढांचा जो आर्थिक ढांचा वही ढांचा प्रॉपरली काम करता रहता है। जबकि संरचनात्मक आयोजन वो आयोजन होता है इसके अंतर्गत आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हो जाता है, यानी वर्तमान ढांचे को हम अपमूल चूक परिवर्तन कर देते हैं और उसके आधार पर वास्तव में हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। दूसरा हमारा है प्रेरणा द्वारा आयोजन या आदेश तथा निर्देश द्वारा आयोजन। प्रेरणा द्वारा आयोजन का तात्पर्य यह है कि सरकार ऐसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं बढ़ा देती है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में विनिवेश तेजी से या निवेशक तेजी से निवेश करने के लिए आगे आते हैं। इस प्रकार के नियोजन को हम प्रेरणादायक नियोजन कहते हैं। वही निर्देश या आयोजन, इसके अंतर्गत सरकार मॉनिटरिंग करती है, सरकार निर्देशित करती है पूंजीपतियों को कि आपको इस सेक्टर में इतनी पूंजी लगा सकते हैं, ये पूंजी भी कहां से आएगी और इस पूंजी में कितना शेयर रहेगा। यानी एवरी थिंग्स इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, बट प्रेरणा द्वारा आयोजन के अंतर्गत वास्तव में व्यक्तिगत साहसी आगे आते हैं और वो निवेश की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तीसरा हमारा है भौतिक आयोजन तथा वित्तीय आयोजन। भौतिक आयोजन का तात्पर्य उत्तरदायित्व एक केंद्रीय संगठन पर होता है। यह संगठन अत्यंत ही शक्तिशाली होता है। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि योजना के कार्यक्रमों को पूरा करने का भार सरकार को दे दिया जाता है। वहीं विकेंद्रित आयोजन में कार्यों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। इसमें सरकार, क्षेत्रीय संस्थाएं, व्यक्तिगत उद्यम आदि सभी मिलकर योजना संबंधी निर्णय लेते हैं। इस प्रकार वर्गीकरण को हम क्रमशः आयोजन तथा नीचे से आयोजन भी कह सकते हैं, मतलब ऊपर से आयोजन और नीचे से। ऊपर से आयोजन का मतलब केंद्रीकृत प्रणाली, नीचे से आयोजन का मतलब वास्तव में विकेंद्रीकृत आयोजन प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत आयोजन तथा आंशिक आयोजन। विस्तृत आयोजन संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आयोजन है। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर आयोजन किया जाता है। वस्तुस्थिति है कि आंशिक आयोजन आयोजन है ही नहीं, जबकि आंशिक आयोजन के अंतर्गत हम केवल कुछ क्षेत्र जैसे उद्योग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि के संबंध में आयोजन करें तो इसे हम आंशिक आयोजन कहते हैं। प्रोफेसर लेविस ने आंशिक आयोजन को टुकड़ों में आयोजन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट है सुधारवादी आयोजन या विकासात्मक आयोजन। सुधारवादी आयोजन वास्तव में व्यापार चक्र की गति को रोकने के लिए, यानी कोई भी चीज हमारी अवरोध हो गई है, संतुलन में नहीं है, उस संतुलन को मेंटेन रखने के लिए जो आयोजन किया जाता है उसे हम सुधारवादी आयोजन कहते हैं। विकासात्मक आयोजन वो आयोजन होता है जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है।
ताकि इकोनॉमिक में क्या होता है, पूंजी निर्माण की दर बढ़ सके और इकोनॉमी में इम्प्लॉयमेंट भी तेजी से इम्प्रूव हो सके, यानी इकोनॉमी की वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्षेत्रीय आयोजन, राष्ट्रीय आयोजन और अंतरराष्ट्रीय आयोजन। जब किसी अर्थव्यवस्था के केवल एक विशिष्ट भाग या क्षेत्र तक आयोजन सीमित रहे तो इसे हम क्षेत्रीय आयोजन कहेंगे। जब यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित हो तो इसे हम राष्ट्रीय आयोजन कहेंगे, और जब ये कई देशों से संबंधित योजनाओं को बनाए इसे हम अंतरराष्ट्रीय आयोजन कहेंगे। क्षेत्रीय आयोजन को प्रायः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले के अर्थ में क्षेत्रीय आयोजन को राष्ट्रीय आयोजन का ही एक अंग समझा जाता है तथा इसका संपादन राष्ट्रीय आयोजन के ही अंतर्गत किया जाता है। इसमें क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आयोजन किया जाता है। वहीं दूसरा, इसके अंतर्गत आयोजन राष्ट्रीय आयोजन नहीं होता बल्कि उस क्षेत्र में आयोजन स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है। वास्तव में भारत जैसे अल्पविकसित देशों में आयोजन का वास्तव लक्ष्य या आयोजन के तरीके, कार्यान्वयन करने के तरीके या आयोजन करने के तरीके बिल्कुल अलग है। अल्पविकसित देशों की समस्याएं बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन बड़ी होती हैं। ये विकसित देशों से सर्वथा भिन्न होती हैं। विकासशील देशों ने अधिकतर विकसित देशों के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया, परिणाम स्वरूप विकसित देशों की समस्याएं अलग थी और विकासशील देशों की समस्याएं अलग थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे आयोजन सफल नहीं हो सके। हमें सफल आयोजन के लिए वास्तव में विकासशील देशों की सबसे पहले समस्याओं को देखना होगा, उन समस्याओं को क्रम में करना होगा। क्रम में करने के अनुसार पुनः हमें आर्थिक स्रोत की जानकारी प्राप्त करनी होगी। आर्थिक स्रोत की जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ उसके अकॉर्डिंग वास्तव में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या का समायोजन करते हुए एक एक लक्ष्य की प्राप्ति हमें क्रम से करनी होगी, तभी एक विकासशील देश में वास्तव में आयोजन सफल हो सकता है। तो इस प्रकार हम विकासशील देश के संदर्भ में देखते हैं कि विकासशील देशों में सबसे पहले अगर आपको आयोजन करना तो सबसे पहले काम है उद्देश्यों का निर्माण करिए। आपका टारगेट क्या क्या है उसको पहले बनाइए। प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक राज्य की समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं। आप चाहें तो क्षेत्रीय लेवल पर इन समस्याओं को कैलकुलेट कर लीजिए या राज्य स्तर पर कर लीजिए। दूसरी चीज, इन में क्रम रखिए। क्रम का तात्पर्य होता कि कौन सी समस्या सबसे पहले कंप्लीट की जाए, सबसे पहले समाधान किया जाए, उसके बाद अन्य कौन सी समस्या। इकट्ठा हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते कि हम इकट्ठा सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकाल सके, इसलिए हमें उनको क्रम करना होगा और क्रम के आधार पर उन पर टारगेट बनाना होगा, हमको हिट करना होगा, तभी वो लक्ष्य हमको अचीव करेगा। दूसरी चीज है प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्राथमिकता हमारी गरीबी का उन्मूलन है प्राथमिकता, कि हमारे वास्तव में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, कि हमको वास्तव में महामारी से लड़ने की वर्तमान में आवश्यकता। इन प्राथमिकताओं को एक क्रम में रखना पड़ेगा और उसको अनुसार उसका अनुपालन करना होगा। तीसरा, विनियोग का निर्धारण। अल्पविकसित देशों में वास्तव में उपभोग प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द पर्सन अपने इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंज्यूम कर जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, उपभोग भी उत्पादक उपभोग और अनुत्पादक उपभोग होता है। वर्तमान में डेवलपिंग कंट्री में डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव पाया जाता है। लोग वास्तव में उत्पादक वास्तव में यूटिलिटी कंजप्शन पर कम फोकस करते हैं, लग्जरियस कंजप्शन पे, सिगरेट पीना, शराब पीना, अच्छे कपड़े का शौक, अच्छे मोबाइल का शौक, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो कंजप्शन का नेचर है वो काफी डाइवर्ट। इसलिए लोगों की बचत प्रवृत्ति को बढ़ानी होगी, लोगों का कंजप्शन के विषय में कुछ वास्तव में बेसिक चीजों को सिखाना होगा, तभी कंजप्शन डायरेक्शन बदल सकता है और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से उनकी वास्तव में एक्सेस मनी को बैंकों के माध्यम से बचत के रूप में कन्वर्ट करना और उसे पूंजी निर्माण में आगे लाना होगा, तभी हम वास्तव में एक देश के आर्थिक विकास में, डेवलपमेंट में हम आगे आ सकते हैं। तीसरा, आयोजन में संतुलन। संतुलन का तात्पर्य यह होता है कि हमारा वास्तव में आयोजन तभी हम सफल मान सकते हैं
जब अर्थव्यवस्था में एक संतुलन से हम दूसरे संतुलन, वास्तव में इसको जिगजग इक्विलिब्रियम कहें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कभी कभी हम सीधा टारगेट नहीं पाते, पहले हम छोटा टारगेट बनाए उसको अचीव करें, एक संतुलन लें, पुनः एक टारगेट बनाए उसको, फिर उस संतुलन पे चलें कुछ दिन, फिर इस प्रकार हमारे पास एक लैडर टाइप का कार्य करेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार जो हमारे पास संतुलन होते हैं, ये तिर्यक संतुलन, पश्चिगामी संतुलन, मौद्रिक या वित्तीय संतुलन के नाम से भी जाने जाते हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आयोजन की अपनी भूमिका होती है, लेकिन आयोजन की भूमिका तभी सफल होगी जब हमें हमें पहचानना होगा कि हमारे उद्देश्य कौन से हैं और वास्तव में हमारे वित्तीय संसाधन कौन से, तभी आयोजन की एक सार्थक भूमिका सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।